हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आप सबका माइनक्राफ्ट की एक और नई वीडियो में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप सबको माइनक्राफ्ट के 6 ऐसे खतरनाक मोड्स के बारे में बताने वाला हूं, जो शायद ही आप में से किसी ने पहले देखे होंगे। भाई कोई कोई तो इतने ज़्यादा खतरनाक है ना, आप एक सेकंड में उनके फ़ैन हो जाने वाले हो। तो गाइस, होप करता हूँ यार आपको वीडियो पसंद आएगी। तो गाइस, जो हमारा नंबर वन मोड है ना, ये है क्रिएचर मोड। तो इसमें आपको सबसे पहले जो ये वाला क्रिएचर है ना, ये दिन में बिल्कुल ऐसे स्टेबल देखने को मिलेगा, बिल्कुल गाइस कुछ नहीं करेगा, ये बिल्कुल स्टिल रहेगा। लेकिन भाई जो इसका खतरनाक काम शुरू होता है वो होता है रात में। जैसे ही रात होगी ना भाई, इससे जितना बच सकते हो उतना बचना। आप देख सकते हो गाइस ये कितना ज़्यादा अग्रेसिव है, इसके पास कितनी ज़्यादा यहाँ पे पावर्स हैं। देखो भाई कैसे आग निकाल निकाल कर ये मेरे को यहाँ पे ख़त्म करना चाह रहा है। एंड चाह क्या रहा है भाई, उड़ा भी दिया ऑलरेडी इसने मेरे को। एंड इसी के साथ यहाँ पे आप इसकी एक गोलम के साथ डॉग फाइट भी देख सकते हो। गोलम को भाई दूसरे बंदों को उड़ाने का काफ़ी ज़्यादा शौक है ना भाई, ये गोलम को ही उड़ा उड़ा कर मार रहा है। आप खुद से देख सकते हो भाई यहाँ पे कितना ज़्यादा खतरनाक है हमारा ये बंदा। एंड इसके साथ भाई आप यहाँ पे आर्मर भी बना सकते हो इसी के ब्लड से, जो भाई आप बोतल से कलेक्ट कर सकते हो। ये आपको यहाँ पे रेसिपी में दिखा रहा हूँ, ये वाली आपको गाइस यहाँ पे ये मतलब जो होती है ना अपनी और बना लेनी है, और इससे आप ये वाले पर मतलब आर्मर बना सकते हो। और जो इसकी सबसे ज़्यादा बढ़िया बात है ना, ये गाइस नेदरराइट आर्मर के बराबर का है। एंड भाई सबसे ज़्यादा जो बेकार चीज़ है कि इसके हम बूट नहीं बना सकते, तो वो नेदरराइट के बना लेना। बाकी आप इससे भाई यहाँ पे देख सकते हो, मैं इसका आर्मर ही पहनकर फाइट ले रहा हूँ, पहले से काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है। और जो हमारा सेकंड वाला क्रिएचर है भाई, ये देख सकते हो, ये एक इजिप्शियन गॉड की तरह दिखता है, जो मून वो होता है ना मूनलाइट में। तो मेरे को बताना है यार ये किस में है। और ये देखो गाइस, हमारा और भी काफ़ी ज़्यादा क्रिएचर्स आ रहे हैं मेरे पे हमला करने। लेकिन भाई जो ये वाला है ना, ये इतना कुछ मेरा यहाँ पे उखाड़ तो नहीं पाएगा, लेकिन हालांकि यहाँ पे आप जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगी ना, जो मकड़ी है भाई वो इस पे हमला करती है, और ये डांस भी काफ़ी अच्छा करता है। ये इन्जॉयमेंट के लिए क्रिएचर अच्छा है। मैं अभी तक इसके सामने इसलिए टिका हुआ हूँ क्योंकि मैंने पहन रखा है अपना भाई खतरनाक वाला आर्मर। अगर भाई मैंने वो ना पहन रखा होता ना भाई, कप का बजा देता, ये लिटरली कप का मेरे को बजा देता। आप इसको भी इंजॉय कर सकते हो। तो गाइस, जो हमारा नंबर सेकंड पे मोड आता है ना, इसमें आपको देखने को मिलने वाले हैं डिफरेंट टाइप के क्रिएचर्स, जिसमें आ जाएंगे हमारे चिकन, यहाँ पे आ जाएगी काउ, उसके साथ पिग आ जाएंगे एंड ज़ॉम्बी, और भाई काफ़ी कुछ भी होगा वो आप देख लेना। और यहाँ पे आप देख सकते हो इनकी अलग अलग स्किन्स हमको देखने को मिलने वाली है। एक को देख देख कर भाई मैं भी काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुका था, तो मैंने कहा यार क्यों नहीं भाई, मैं खुद ही क्यों इंजॉय कर रहा हूँ यार अलग अलग स्किन्स को लगाकर, आपको भी मैं क्यों ना बता दूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ज़ॉम्बीज के अलग अलग कपड़े पहने हुए हैं। एंड इसी के साथ साथ भाई यहाँ पे जो वुल्फ होते हैं ना, इनको भी यहाँ पे मैंने हस्की बना दिया है। देखो यार कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है, ये ब्लैक एंड वाइट वाला हस्की लग रहा है बिल्कुल। एंड इसी के साथ आपको ना एक ब्राउनिश वाला भी देखने को मिल जाएगा यहाँ पे आपके सामने है, ये बंदा भी काफ़ी अच्छा है। और ये गैस करो भाई क्या है, हाँ भाई लिटरली ये पिग है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सिंपल पिग है, एंड अब ये देखो भाई फिर से सिंपल आ गया, लेकिन ये वाला आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक सा लगता है इस धब्बों के साथ, आप देख सकते हो। एंड इसी के साथ साथ ना हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्किन्स और भी हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। और यहाँ पे भाई ये सिंपल वाले पिग कहाँ से आ रहे हैं, और ये देखो भाई गंदे वाला ब्राउन, ये थोड़ा सा अजीब इसके यहाँ पे साइड पे ऐसे लग रहे हैं जैसे पंख हों भाई काफ़ी ज़्यादा, मतलब अच्छे अच्छे हमें यहाँ पे इनके भी कपड़े देखने को मिल जाते हैं। एंड भाई कभी भी मत भूलना कि हमारे पास और भी क्रिएचर्स हैं यहाँ पे, जैसे कि भाई काऊ भी है, वो मैं आपको एक बार अच्छे से दिखा देता हूँ। पहले आप यहाँ पे अलग अलग टाइप के पिग्स को एक बार चेकआउट कर सकते हो जो मैंने आपको दिखा दिए हैं, और ये है हमारी काऊ। हाँ भाई ये देखने में काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती है, लेकिन आपको ना मैं बिल्कुल एक रियल वाली काउ भी दिखाने वाला हूँ इसी मोड के अंदर अंदर। बस भाई थोड़ा सा गिनो भाई, 10 तक गिनो, आपको मिल जाएगी वो वाली काउ। एंड अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आ रही है ना, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक करना तो बनता ही है। ये आपकी डिमांड पर रियल वाली काउ भी आ चुकी है, बाकी कमेंट करके बताना यार आपको ये काउ रियल लग भी रही है या मेरे को ही लग रही है। ये क्रीपी वाली भी काउ है, तो सोचा मैंने आपको ये भी दिखा दूँ। एंड इसी के साथ भाई हम इस मोड को ख़त्म करते हैं। एंड नेक्स्ट वाला जो हमारा मोड है ना, वो काइंड ऑफ थोड़ा सा फनी है, एंड भाई मतलब इंटरेस्टिंग सा है, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है स्केटबोर्ड, जिसके साथ आप स्टंट भी यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं कितनी अच्छी तरीके से इसको, जैसे बिल्कुल रियल स्केटबोर्ड को हम कर सकते हैं, हालांकि मैं नहीं कर सकता,
वैसे जैसे होता है ना, तो वैसा हम कुछ भी कर सकते हैं, जंप कर यहाँ पे हम स्टंट कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ ना एक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ है कि जो इसी मोड में आपको और देखने को मिलेगी, वो भी मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप मेरे ऐसे भाई थोड़े से करतब देख लो, और आपको यहाँ पे इसका भी गाइड देखने को मिल जाएगा, जिससे आपको भाई कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी बिल्कुल भी। यहाँ पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है ना, जस्ट आपको इस गाइड पे टच करना है एंड आपको यहाँ पे एक एक चीज़ मिल जाएगी, और ये यहाँ पे आपको भाई रेसिपी भी अलग अलग मिल जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे स्केल्टन चचा के पास भी स्केटबोर्ड है, एंड हमारे विलेजर के पास भी स्केटबोर्ड है, एंड जो सबसे ज़्यादा बढ़िया चीज़ है ना, ये इसको यूज़ भी करते हैं, एंड गाइज ये लिटरली फाइट भी करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे विलेजर चचा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ चुका है, एंड भाई वो कैसी पिटाई कर रहे हैं, लिटरली इनकी मैं पिटाई कहूँगा, आप देख सकते हो। मतलब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पे हो जाती है हमारा सिनेरियो जब ये भाई लड़ते हैं, और भाई एडिशनली ये विलेजर इनको मार भी सकता है। हाँ यहाँ पे आप देख सकते हो भाई ये मार भी सकता है, मतलब यहाँ हमारे विलेजर ना भाई वो कमज़ोर वाले नहीं है, ठीक है, डरते नहीं है भाई, गोलम पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट बंदे हैं भाई, ठोक देंगे भाई, आप भी पंगा मत ही लेना, मैं तो ऐसे ही रिकमेंड करूँगा। बाकी भाई इंटरेस्ट के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, तो आप पंगा ले सकते हो। एंड मैं आपको थोड़े बहुत और मोड भी दिखा देता हूँ, जैसे कि हमारा नेक्स्ट वाला ये मोड, तो यहाँ पे आपको तो जो नेक्स्ट वाला मोड है ना, इसमें मैंने आपको अपग्रेड दिया है पिकेक्स के अंदर। पहली जो पुरानी पिकेक्स होती थी ना, वो काफ़ी ज़्यादा ही बोरिंग हो चुकी थी। यहाँ पे आप देख सकते हो एक तोड़ेंगे भाई, एक ही तोड़ेगी एक बार में, मतलब क्या ही करूँ यार मैं इसका, क्या ही करूँ। इसलिए मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिए हैं कुछ नए हैमर्स, जिनकी अलग अलग यहाँ पे फ़ायदे हैं। जैसे कि सीधा आप तोड़ोगे ना, यहाँ पे आप देख सकते हो एक से दो पीछे को तोड़ेगा, एंड भाई यहाँ पे 9 मतलब टोटल 9 का बना देगा 3x3 का, तो आपकी भाई स्ट्रिप माइनिंग तो भाई बिल्कुल मक्खन हो जाएगी, सीरियसली मक्खन हो जाएगी आपकी स्ट्रिप माइनिंग, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड इसी के साथ साथ ना यहाँ पे कुछ और भी हैमर्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जिनके अलग अलग टास्क है। जैसे कि ये वाला, ये गड्ढा भाई नीचे को खोदने के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, आप प्रेफर कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कैसे जोम्बी को ईजिली नीचे की तरफ फंसा दिया है, जस्ट विद द हेल्प ऑफ दिस हैमर। और इसी के साथ यहाँ पे इसको देख सकते हो, इसका और थोड़ा सा यहाँ पे जो ये कहते हैं ना हम स्क्वेयर है, ये इसका और भी बड़ा है, इसको आप स्ट्रेट डाउन माइनिंग के लिए यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो। इसी के साथ साथ जो हमारा लास्ट वाला हैमर है ना भाई, इसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि भाई ये आपको देखो कितना ज़्यादा एक बार में डिग करता है, और इसी के साथ साथ आपको डैमेज भी आ सकता है, तो इसको आपको कंसीडर करना पड़ेगा हर बार जब भी आप यहाँ पे ना माइन करने जाओगे। तो आप ध्यान रखना कि आपके हर्ट एटलीस्ट भाई एक से दो बच जाए, सो दैट आप यहाँ पे हील कर फिर से मतलब बच जाओ। और इसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने काफ़ी अच्छी खासी माइनिंग इजीली कर ली है, और भाई मैं बेडरॉक तक भी आ गया हूँ। नेक्स्ट वाला ये जो मोड है ना, ये एक्चुअल में कोई मोड नहीं है, यहाँ पे आपको सिर्फ साइड पे अगर आप एनिमेशन देखोगे ना, तो जो हमारी बिल्डिंग्स है, जो हमारी बाकी सारी चीज़ें हैं, वो पॉप हो रही है, वो ऐसे नहीं लग रहा वो रेंडर हो रही हैं, वो ऐसे लग रहा है पॉप हो रही हैं। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा छोटा सा चेंज है, लेकिन पर्सनली मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और आप खुद से देखो, जैसे ही ना ये एनिमेशन से पॉप हो रही है, हमको इंटरेस्ट आता है भाई आगे कुछ तो अच्छा होगा, क्योंकि ऐसी पॉप हो रही है। तो मैं तो चाहता हूँ यार माइनक्राफ्ट खुद से ही इस फीचर को ऐड कर दे अपने नेक्स्ट अपडेट में, बाकी भाई ऐसा कुछ होने तो वाला नहीं है। बाकी आप इसको ज़रूर से यहाँ पर ट्राई करना, आप मेरे को अपना ना कमेंट्स में यहाँ पर एक्सपीरियंस बता देना, और डाउनलोड लिंक्स आपको बोथ जावा एंड पॉकेट एडिशन सबके मिल जाएंगे, जाकर भाई डाउनलोड करो, कोई पासवर्ड नहीं है अपना भाई, कोई वैसा बेकार सा फंडा नहीं है पासवर्ड वाला भाई, अपना दोनों का, हम दोनों का चैनल है, ठीक है भाई, हम कर सकते हैं भाई, अपने में चलता है। इसी के साथ जो हमारा लास्ट वाला मोड है ना, इसमें हमको देखने को मिलने वाली है माइनक्राफ्ट के कुछ टूल, जैसे कि हमारी कैनन, मोटार एंड मैनी मोर। आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले ना मैंने यहाँ पे कैनन को सेटअप कर लिया है, और कुछ बलि के बकरे भी यहाँ पे मैं सेटअप कर लेता हूँ, एंड मैं अब आपको कैनन की पावर दिखाता हूँ। जस्ट वन क्लिक एंड बलि के बकरे डन। यहाँ पे आप देखो भाई ख़त्म, लिटरली भाई एक गोले में जितने आएंगे ना, सबके सब यहाँ पे मारे जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो भाई लिटरली जो पीदी वाले हैं वो बच गए, वो भाई एक्सेप्शन है। और यहाँ पे आपको गन पाउडर ऐसे डालना पड़ेगा, बाकी इसको अभी जो मैं लिंक दूंगा ना, उसमें बिल्कुल प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगी, जो कि आप देख सकते हो जैसे भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी। बाकी कमेंट करना, मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा रिप्लाई करने की। और इसके साथ जो नेक्स्ट वाली है ना,
वो वाली मोटार है भाई, इसकी थोड़ी सी ना आपको पावर को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अगर पावर हम इसकी ज़्यादा कर देते हैं ना भाई, पता नहीं कौन से यहाँ पे जन्नत में मारती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी मैंने इसकी पावर यहाँ पे थोड़ी बहुत कम कर ली है और इसको मैंने यहाँ के लिए सेटअप कर रखा है, तो मैं जस्ट वन टैप करूँगा और यहाँ पे निकलेगा एक ख़तरनाक सा गोला एंड बूम। यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी पिगलिन, मतलब जितने भी बकरे थे ना, सब के सब मर चुके हैं। एंड जो यहाँ पे आपको मैग्मा ब्लॉक दिख रहे हैं ना, वो मैग्मा ब्लॉक नहीं है, वो मैग्मा की लेयर है, एक छोटी सी लेयर है। तो ये काफ़ी ज़्यादा नए कॉन्सेप्ट के साथ आई है मोटार, वो ब्लॉक्स को चेंज नहीं करती, वो एक जस्ट कारपेट के लाइक, मतलब जैसा कारपेट होता है ना वैसी ये लेयर बना रही है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और दिखा देता हूँ, काफ़ी सारे ज़ोंबीज़ को छोड़ देने वाला हूँ एक साथ, काफ़ी सारे को, तो आपको पता लग जाएगा भाई इसकी पावर। और यहाँ पे मैं वन टैप करने वाला हूँ और बूम, यहाँ पे निकलेगा हमारा गोला और वो ख़त्म, लिटरली भाई ख़त्म, सपट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला है हमारा भाई एक्सबो, कहते हैं हम इसको क्लैश ऑफ क्लैंस में, हालांकि इसमें तो भाई कुछ भी नहीं कर पाया, ये लिटरली कुछ भी नहीं कर पाया। और ये है गाइस हमारा, इसको भाई आप कुछ भी नाम दे सकते हो। बाकी ये हमारा लास्ट वाला है, ये रात में देखने में ये काफ़ी ज़्यादा ही बढ़िया लगता है आप खुद से भाई, यहाँ पे देख सकते हो, कोई डिनाई नहीं कर सकता इस बात को कि ये काफ़ी ज़्यादा चार्म को व्यू प्रोवाइड करता है। बाकी गाइस होप करता हूँ यार आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो मैं वही कहूँगा भाई लाइक ज़रूर से करना मेरे एफर्ट्स के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।